हेलो दोस्तों, मिशन रानीगंज के बारे में बात करेंगे। उसका कल हमने टीजर देखा होगा आप लोगों ने, और डेफिनेटली बहुत ही प्रॉमिसिंग मुझे लगा टीजर। और मुझे क्या भाई, कोई भी जिनको अकल है, लॉजिक है, वो लोग कोई भी क्रिटिसाइज तो करेंगे नहीं। ऐसा टीजर था, उसमें कुछ बुरा मानने वाला नहीं, मतलब कुछ ये करने जैसी बात ही नहीं थी। द ग्रेट भारत रिस्क्यू, सबसे पहले तो सैल्यूट है नाम को भी और अक्षय कुमार को भी, क्यों नहीं भाई। तो अब देखो भाई, इस फिल्म को लेके हम थोड़ा सा बात करने वाले। ऑब्वियसली जसवंत सिंह गिल जो है, उनको भाई, उनको सबसे पहले तो सैल्यूट यार, मैं कैसे भूल गया। तो भाई अब बात करते हैं, इसमें कौन कौन है। अक्षय कुमार, परिणीति चोपड़ा, कुमुद मिश्रा, पवन मल्होत्रा, मैं विकीपीडिया की बात कर रहा हूँ, रवि किशन, राजेश शर्मा, वीरेंद्र सक्सेना, मतलब कट टू कट देखा जाए तो बड़ी कास्ट है, मतलब अच्छी कास्ट है। और इसके बजट के बारे में भी बात करते अभी एट प्रेजेंट, कि भाई इसका ऑफिशियल बजट कितना हो सकता है। यहाँ पे ऐसा देखने को जा रहा है कि 50 करोड़ का बजट है, 40 करोड़ प्लस 10 करोड़ का। इसका मतलब भाई अक्षय कुमार का कोई फीस कैसे नहीं है भाई, अक्षय कुमार का फी बिना लेके है वो बजट, अक्षय कुमार का फीस अलग आएगा। तो भाई बजट है अच्छा, हाँ इस मूवी को तगड़ा बजट है। अक्षय कुमार सर की अगर मैं बात करूँ, वो कितना पैसे लेते हैं उसको लेके सब कुछ डिपेंड करेगा। एट प्रेजेंट गूगल पे तो भाई दिखा रहा है, एक मिनट मैं एक बार कंफर्म कर देता हूँ, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं लगता है भाई, पर एक ट्रस्टेड साइट पे मैं देख रहा हूँ यार। नहीं, इसका 100 करोड़ बजट लिखा गया है, एस्टिमेटेड अराउंड 100 करोड़, इंक्लूड्स प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, अक्षय कुमार फीस, इंक्लूडिंग अक्षय कुमार फीस है भाई। और इसका मैं क्लियर बता देता हूँ, देखो और भाई इसको लेके सीधी बात बोल रहा हूँ, कुछ लोग बोलेंगे भाई 150 करोड़ बजट है, 200 करोड़ है, मैं ये वीडियो ही इसीलिए बना रहा हूँ, कैसे लोगों से बचो। देख लो पूरा विथ प्रूफ बता रहा हूँ, 100 करोड़ टोटल बजट है, ओके। अक्षय कुमार ने 45 करोड़ इस फिल्म के लिए लिए है, उससे ज्यादा नहीं। तो भाई बेवजह का ये करने की जरूरत नहीं है। परिणीति चोपड़ा ने लिए है 5 करोड़, 50 करोड़ उनका, और 50 करोड़ में बाकी की स्टार कास्ट विथ ये मूवी बनी। और ये मूवी बनने के लिए कोई इन्होंने बहुत तगड़ा, मतलब ये टाइप का कोई बहुत बड़े ये नहीं यूज किया, VFX अच्छे हैं नो डाउट, पर 100 करोड़ इसका कम से कम बजट है। तो भाई लेकिन हाँ, कुछ लोग अगर बोलेंगे 100 करोड़ से भी कम है, तो भाई ऐसे लोगों से मैं मुंह नहीं लगता हूँ, जो सच है वो सच है भाई, 100 करोड़ इसका बजट है। और मैंने तो आपको जब OMG 2 आई थी तभी बोला था कि OMG 2 का विकीपीडिया वाला बिलीव मत करना उस पे, तो भाई और विकीपीडिया में देखा नहीं मैंने मिशन रानीगंज के बारे में, ओके ये ऑफिशियल बजट बताया। OMG 2 का विकीपीडिया में कुछ भी दिया था पहले 150 करोड़ के आसपास, भाई वैसा था ही नहीं। मैं पहले दिन से ही बोल रहा था कि मूवी को अक्षय कुमार ने पैसा लिया ही नहीं है, OMG 2 के लिए प्रॉफिट लेने वाले ही, ये मैं फर्स्ट डे से बोल रहा था। तो भाई वो कलेक्शन बजट वाला इशू आता ही नहीं, पर यहाँ पे मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ ऑफिशियल बजट 100 करोड़ है, 100 से कम नहीं है, 60-70 करोड़ नहीं बना है मूवी, 100 करोड़ में बनी है। अब देखो अक्षय कुमार के फैंस को क्या करना है, सीधी बात है, OMG 2 को आप क्लैश में, वो भी सनी देओल के साथ क्लैश में अगर आप 150 करोड़ तक लेके गए थे नेट कलेक्शन, तो भाई इस वाले मूवी को ठीक है, दोनों मूवी आ रही है और एक मूवी आ रही है, पर भाई उतनी बड़ी नहीं आ रही है जो गदर 2 जैसे। तो मैं ये कहूंगा, क्या आप इस मूवी को 150 तक नहीं लेके जाते हो, जा सकते हो, जाना चाहिए, इसको बोलेंगे फिर कम बैक। बैक टू बैक 150 करोड़ अगर कर जाती है ना मूवी, एक तो क्लैश के साथ एक विदाउट क्लैश, मैं तो चाहूंगा यार आप 150 के 200 करोड़ का टारगेट रखो ना कम से कम, जैसे द टॉयलेट प्रेम कथा, पैडमैन टाइप की जो फिल्में थी बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी वाली, रुस्तम, कितने तो फिल्म्स अच्छे आपने अगर सपोर्ट किया है, तो इस मूवी को नहीं करोगे भाई। ये तो बहुत अंडररेटेड भाई, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसको कहीं पे भी प्रेज नहीं किया गया है। और एक बात बोलूं, द ग्रेट भारत रिस्क्यू नाम से साला 500 करोड़ लाने चाहिए आप लोगों ने, पर चलो छोड़ो, वो पता नहीं लाओगे या नहीं, पर भाई देखो भाई यही पॉजिटिविटी, 100 करोड़ में ये मूवी बनी है, ये ऑफिशियल अपडेट है, ओके। जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो, और उन लोगों का भाई मुंह बंद करो जो 150 करोड़ 200 करोड़ टाइप का बोलने जाएंगे ना, बोलना विद प्रूफ बोला है, बात खत्म। और अगर बाय चांस अगर मुझे ये दिखता है कहीं पे आर्टिकल वगैरह में आएगा, कुछ दिनों में समझ में आएगा, मूवी थोड़ा पास आने दो, ऑफिशियल बजट भी ये लोग क्लियर कर देंगे, अगर वैसा हो जाता है कि अक्षय कुमार सिर्फ प्रॉफिट लेंगे, हालांकि पूजा एंटरटेनमेंट
भी अक्षय कुमार को बहुत मानने वाली कंपनी है, तो प्रॉफिट लेने